ने कहा, भारत में पैदा हुए जब हम आपका आशीर्वाद है तो हम भी पायजामा पहने बना दिया भारत का संविधान कैसे बनाया एक नारियों को कोई अधिकार नहीं था, कोई जैसा चाहे वैसा व्यवहार करता था, लेकिन आज नारी को बाबा साहब ने ऐसे संविधान में रचयिता लिखे तो चाहे विवाह हो, अगर वो चाहे तो किस्मत बदल सकती है, आ सकती है, लेकिन नारी का अधिकार ये होता है नारी बनो न्यारी ना बनो
चाहता था जो शब्द प्रधान जी बोले। चलो हमारे नाटक का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। देखिए राज दरबार में हमारे मंत्री जी और राजा साहब आ रहे हैं। क्या पोजीशन बीती थी कैसे और बीतेगी आगे की कहानी क्या होगी। हेलो 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 थोड़ा साइड हो जाओ। हमारे प्रधान जी वर्तमान जो प्रधान जी हैं 1100 का पुरस्कार कर रहे हैं और भी कहते हैं हमारे प्रोजेक्ट प्रधान जी बैठे हैं अगर वो इतना बढ़ाए तो मैं भी कोशिश करता रहूंगा उनके आशीर्वाद से। जय भीम जय भारत नमो मल्लिक नमो बुद्ध। महाराज आपका आगमन कहाँ से रहा। रोशन कहाँ के रोशन हो। ऐसा लगा के नहीं देना है फिर जरूरत पड़ जाए। छोटू
यार वीडियो बना रहा यार। आप बैठिए, प्रॉब्लम आप तो दरबार में रहते हैं, जनता को कोई खबर नहीं रखते हैं। ना तुम्हारी महामंत्री तुम्हारी रानी कहने जा रहा था, लेकिन खड़े ना हो यार, मजा नहीं रास्ता गेट के यार खड़े भाई जाओ, तुम जाओ छोटे बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, वीडियो बना रहे हैं आप, नहीं तो हम बैठे। महाराज जी आपके राज्य में कोई दिक्कत तो अभी नहीं है, लेकिन दिक्कत बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी। जो तुम्हारे पास फलवरिया ठाकुर है, गरीबों के मोहल्ला में जाते हैं तो कहते हैं गाभिन बकरा खिलाओ, कोई कहता अंडा देने वाला मुर्गा ना। हेलो हेलो मंत्रियों ने ऐसा कह सकते हैं? हेलो 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 नहीं कह सकते, क्योंकि मेरा आदेश है। हाँ हाँ गया था मोहल्ला में जमारत बरादरी के मोहल्ला में कहलाता है। एक बात एक पटा लेके आ सारे कर लियो है ना, ज्यादा रंगबाजी करेगा ना तो कल बता दे। नहीं नहीं उनसे उनसे तुमसे नहीं कही था, कहा तेरा एक ठेका अंडा देने वाला मुर्गा लाओ। अंडा देने वाला कभी मुर्गा होगा, जब सारे अंडा मुर्गा दे सकता है तो हर मर्द बच्चे दे सकता है। हमारे कहने का था तो आप समझ नहीं पाए हैं। हरदमों की बस्ती में जब कोई जाता है तो अपनी ठाकुरी के रूप से अलग नहीं होता है, लेकिन नहीं विश्वास है। आप देख लीजिए अपना दरबार में बैठिए और अपने मंत्री से पूछिए क्या हालात अपने इलाके की है, मोहल्ले की है, पूछ लीजिए देखिए। सेनापति Thank you.
हाँ अब मैं चलूं अपने राजा साहब के पास, क्योंकि मेरा इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं किस लिए बुलवाए हैं, मुझे तत्काल चलना चाहिए। हेलो हेलो हेलो, आ गए हमारे भोजपुर प्रधान जी गुलाब पटेल ग्रंथ मित्र, उनकी तरफ से 30 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। करते करते बहुत अच्छा, अब तो स्टार्टिंग हुई, अब तो आनंद ही आनंद आ रहा है। धन्यवाद। मेरा भाई हेलो 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 हेलो, याद है हमारे संदीप गौतम की ओर से 11 मुद्रा आ रहे हैं। कहते हैं राज दरबार में मंत्री से शिकायत है कि महफिल में कोई कफलतबाजी तो नहीं है। हकीकत करें मंत्री जी राजा साहब के पास। धन्यवाद। हाँ राजा साहब, मुझे दरबार में किस लिए बुलवाए हैं? क्या है, क्या है, क्या मेरे अध्यक्ष अंशुल के विरुद्ध काम हो रहा है? क्या हो रहा है? मैं जो आदेश करता हूँ आपको, आप दरबार से लापता कहाँ रहते हो? हाँ और महाराज जिस काम में आए हो मेला सेनापति। हाँ कहो। जो हुक्म में देता रहा करते ना तू सभी है, प्रेत तो हर जनो क्या दिल है। ऐसी बात है, क्यों वहां पर जा जाकर के दारू और गुर्दा करते हो? नहीं कभी नहीं। कहो मुझे कहना चाहते हो? मुझे खबर यही मिली कि तुम्हारे सेनापति मंत्री कहाँ है। वो तो जा करके हजनों के यहाँ दारू और गुर्दा मंगा के खाते। कभी नहीं। लगी लगी चपका ही समझा। इसी में आप लापता है तो मैं ड्यूटी में हर वक्त हाजिर रहता हूँ। राजा साहब अभी तो कहाँ हाजिर रहते हो? जब भी मैं दरबार आता हूँ तुम दोनों बैठ रहते हो। और ड्यूटी तुम्हारा।
ये गाथ आपकी सत है हाँ, लेकिन वो मंत्री को बुलाइए, मैं उससे कुछ बातें ही कराता हूँ। ठीक है, अभी बुलवाता हूँ, आप बैठिए। हाँ मंत्री, मंत्री जी। हेलो 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 हेलो, देखिए हमारे समाज के राजा जो राजा होते हैं वो भी राजा थे। हमारे फूलपुर पठान जी गुलाब पटेल जी की ओर से एक रुपया आ रहा है। कानून के हिसाब से चलना राजा और मंत्री, उनके लिए एक रुपया पुरस्कारित कर रहे हैं हमारे प्रधान जी, नियम कहने के लिए। धन्यवाद, चाहे तो उनसे आशीर्वाद आशीर्वाद की कामना चाहते हैं प्रधान साहब। हाँ मंत्रीवर, जहाँ कहीं भी हो चंद मंच में आने का कष्ट करें, क्योंकि राजा साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया। मुसलमान बन गया कि कुरान पाक पढ़ के हर मुसलमान बन गया, हर मुसलमान बन गया, हर गीता रामायण पढ़ के ये हिंदुस्तान बन गया। सेनापति जी ने आवाज दिया और चलू दो बात करूं सेनापति से, किस कारण मुझे याद किया है। चलू नमस्ते सेनापति जी। नमस्ते, किसने मुझे याद किया गया है? हाँ, क्योंकि राजा साहब के दरबार में चलना है। अच्छा, हाँ राजा साहब ने बुलवाया है, इसलिए राजा साहब ने हमें याद किया है। हाँ याद किया है। चलो बोलते हट जाओ, हट जाओ, इसलिए इधर महाराज जी को प्रणाम। बोल रहा हूँ सब लोग मंत्री, अरे महाराज जी को मंत्री, महाराज जी को मंत्री, अंता कोट कोट परिराम। महाराज जी महाराज जी को मंत्री,
ऐसा किस लिए याद किया गया है बताइए महाराज जी। कहिए महाराज हर किया था कुछ काम तुम्हें। अच्छा क्या किया वो पूरा नाम है। अच्छा महाराज जी मुझे मालूम है आपने कहा तो जरूर था किया होगा लेकिन महाराज थोड़ा ऐसा कुछ काम में फंस गया गलती तो हो ही गई है लेकिन मैं अभी तत्काल वो काम कर दूंगा। तुमसे गलती की परवाह है अगर तुम्हारे अंदर से कोई शुद्ध निकल जाता है और अगर हमें उस रास्ते से निकलना पड़ता है तो हम ये बात सही है महाराज जी। मैं अभी गांव में ढिंढोरा पिटवा देता हूँ हाँ कि आज के बाद कोई भी शूद्र वंश का आदमी किसी भी कलियों में वो घूम नहीं सकता निकल नहीं सकता किसी कुएं और पाइप में पानी पी नहीं सकता। ठीक है महाराज मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ अभी पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा देता हूँ बंद किया जाए। ठीक है महाराज महाराज जी हमने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया है सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया है और कोई भी शूद्र अगर निकल पड़ेगा पहले से जब तक सर पे सूरज नहीं होगा और अगर निकल आया तो खुद अपने हेलो हेलो होगा हेलो राजू शत्रुघ्न जो भी 21 रुपए का आया है पुरस्कार उनके लिए जो है
कहना बहुत जरूरी होता है, कोई प्रस्ताव देता नाम यदि सही पुकारना चाहिए। धन्यवाद। हेलो, हो गया था? हाँ महाराज जी, बहुत बढ़िया काम किया आपने। मैंने पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया है। अगर आपने कदम बढ़ाए न रखे तो पैर कटवा लेना। ठीक है महाराज। अगर आंख उठाए तो आंख मुद्रा लेना, जबान कटवाए तो जबान कटवा लेना। ये आदेश का पालन। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। चलो सभी ग्रामवासियों से निवेदन है, हमारे महाराज जी ये 1947 और भारत के संविधान के ये पहले की बात है। अभी इन्होंने कहा कि जो सूत्र 12 बजे के पहले निकलेगा उसकी जो छाया पड़ेगी जिस जगह से हम निकलेंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। लेकिन मनुस्मृति के हिसाब से उन्होंने 4 वर्ग बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। एठा भाई एठा, ये तीन को छोड़ करके चौथा कौन है? ये भारत में 6643 जातियां हैं। एक चमार से लेकर के सोनार तक की जातियां सभी शूद्र। हेलो 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 हेलो। हमारे विवेक 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 की ओर से 21 मुद्रा पुरस्कार हो रहे हैं। भैया के लिए साधवा धन्यवाद। हेलो 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 सेनापति जी।